दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये लाइनिंग के साथ मैंने कट कर लिया, लाइनिंग भी है और ब्लाउज पीस भी है, और इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसमें डिजाइन बताती हूँ। तो ये शोल्डर मैंने 13 इंच लिया है, 6.5 इंच लिया है डबल फोल्ड में। अभी जो नेक देने वाली हूँ शोल्डर से 3 इंच ले लें और इसको ब्रॉड में 4 इंच ले लें और 3 इंच तक इसमें निशान लगा लें, जो कि हम बोट नेक के लिए लेते हैं। सेम यहाँ पर 1.5 इंच की गुलाई दे दें। तो ये तुम्हारा बोट नेक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच और छोड़ देते हैं प्लेन, 4 इंच तक, 4 साढ़े 4 इतना ले सकते हैं। तो जैसे हमने ये 1.5 इंच छोड़ा है, सेम 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी है और ये हम शोल्डर तक लगाते जाएंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से सेम बोट नेक की गुलाई में मैंने ये निशान लगा दिए। अभी मैं इसमें डिजाइन देना चाह रही हूँ। तो आप जितना डीप रखना चाहें उतना दे सकते हैं, जैसे कि शोल्डर से लें जितना भी डीप रखना है, 10 या 10.5 जितना भी रखें। जैसे मैं 10.5 ले रही हूँ, तो ये मैंने शोल्डर से लिया है। और जो नीचे हम इसको फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट रहेगा और 2 डिजाइन हम इधर डालेंगे। तो यहाँ से हम इसको 1.5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि 1.5 इंच में हम कट करेंगे तो सिंगल करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा, सिलाई करेंगे तो ये 4 इंच के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी गुलाई दे देते हैं। तो यहाँ से आप 1 इंच ले लें स्टार्टिंग से, 1 इंच से लेके ऐसे गुलाई में। तो ये हमारा 1.5 इंच लिया है हमने। अभी फिर से हम यहाँ पर 2 इंच छोड़ देते हैं। दो इंच छोड़ के इस तरह से लाइन कर लें। अभी फिर से हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच में अभी जैसे ये डबल किया है तो हमारे 2 साइड के पीस कटेंगे। ये सिंगल है, ये तो एक आएगा, ये डबल है तो दोनों साइड के हमारे कट जाएंगे। तो इसमें भी हमको यहाँ से नेक से ही ड्रॉ करना है। यहाँ से स्ट्रेट ले लें और यहाँ से हम इसमें 1 इंच छोड़ दें जितना हमने यहाँ पर छोड़ा है, और फिर यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे। और फिर हमको यहाँ से भी थोड़ा सा गुलाई देनी पड़ेगी दूसरी तरफ से, नहीं तो ये स्ट्रेट रह जाएगा। तो ये अंदर की साइड में आएगा थोड़ा सा, ये इस तरह से आएगा। तो ये हमारा सेंटर वाला है, ये थोड़ा 10.5 इंच है और जो साइड वाला है वो 9.5 इंच है, 1 इंच ये ऊपर में। अभी हम इसको कट कर देते हैं। यहां से भी कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इस पॉइंट तक कट मार दिया है, ये आगे हम कट नहीं कर रहे हैं। और जो ये डिजाइन है इसको कट कर लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से पकड़ लें सेंटर से, पहले एक कट दे दें और उसके बाद आराम आराम से ये सेम ड्रॉ पे कट कर लें। इसको यहाँ पर यहाँ तक कट नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर ले ले। और अभी जो बोट नेक है इसको कट कर देते हैं। अभी ये चीज हमारी क्लोज है और ये चीज हमारी कट हो गई। तो यहाँ पे हम हल्की सी इस तरह से शेप दे देते हैं और इसको भी देखिए आपको खोल के दिखाते हैं, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अभी जो इसका जो ड्राफ्ट निकला है, ये ड्राफ्ट रख के मैं कैनवास पट्टी और नेक पट्टी दोनों पट्टी कट कर लूंगी। फिर जो हमारे ये होल्स है इसमें हम इस पट्टी को लगाएंगे और जो सेंटर वाला ड्राफ्ट है
सेम सेंटर वाले के लिए भी ऐसे करेंगे। देखिए जो ये ड्राफ्ट निकले थे, ये सेंटर का है, ये साइड का है, तो सेम ड्राफ्ट रखे मैंने, ये पट्टी कट कर ली और उस सेम कैनवास। तो अभी हमने कैनवास को ये पट्टी पर इस तरह से स्टिच डाल देंगे पूरी तरफ, चारों तरफ से, और उसके बाद ये जो नए के हमारे इन पे हम इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह मैंने ये तीनों पीस तैयार कर लिए। अभी देखो अटैच करने का तरीका, तो इस तरह से आप रखने पीस को एक कोने से लेके दूसरे कोने तक स्टिच कर दें। देखिए अटैच कर दिया। अभी हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट के किनारे पे स्टिच डाल देते हैं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग जो है बराबर से बैठ जाए पूरा फोल्ड करते करते। मैंने स्टिच कर दी, इसकी फिनिशिंग दे दी है। अभी जो हमारे ये दोनों पीस साइड के, इनको भी इसी तरह मैं स्टिच कर देती हूँ। ये तीनों डिजाइन मैंने तैयार कर ली है। ये मैंने 1 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट कर ली, तो जो हमारे ये नए केस में लगाएंगे और जो बोट नए केस में, तो इसको आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लें और एक कोने से स्टार्ट करें, दूसरे कोने पर स्टॉप करें। तो थोड़ा सा हम क्रॉस में लेंगे यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस में, या तो पहले कट कर लें या पहले इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कट कर देंगे। जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम कट देते हैं, जिससे कि पलटेंगे तो पलटने में आसानी रहेगी। सेम दूसरे कोने पर भी, अभी देखिए इस तरह से ये पट्टी हमारी आ गई। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर एक स्टिचिंग डाल देते हैं और फिर इसको हम इस तरह से इसको पलट देंगे, तो इसकी फिनिशिंग भी इसी तरह से आ जाएगी पूरा नेक में। मैंने यहाँ पर मशीन डाल दी है, अभी जो बोट नेक है इसको भी स्टिच करते हैं सेम पट्टी लगा के। देखिए जो लगा ली है सेम, इसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे, बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इधर मैंने मशीन डाल दी, बाद में तुरपाई कर लेंगे, तो ये सिलाई निकाल देंगे। ये मैंने डोरी बना ली है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस कोने पे यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। सेम पीस एक और लिया है मैंने, तो इसके अंदर से हम निकाल देंगे यहाँ पर और इसको इस तरह से दूसरे कोने पे अटैच करते हैं। तो देखिए इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक पे मैंने सिलाई डाली है, आप यहाँ पे पहले तुरपाई कर लें और बाद में ये सिलाई निकाल लें तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी। सेम यहाँ पे भी मैंने मशीन डाली, इसको भी आप तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे तो आपका नेक कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इस आसान तरीके से
ये सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।